नमस्कार, आप देख रहे हैं सीबी न्यूज। मैं हूं अंसारुल हक। और निकाय चुनाव की चर्चा अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है और चारों तरफ निकाय चुनाव को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। तो इसी कड़ी में आज मुलाकात मेरी हुई बिहार सरकार के विधि मंत्री और जिले के चर्चित विधायक डॉक्टर शमीम साहब से। डॉक्टर शमीम साहब, निकाय चुनाव में आपकी भी बहुत सारी तस्वीरें आईं। प्रीति कुमारी मेयर पद पर काबिज हुई हैं और डिप्टी मेयर पर लाल बाबू जी काबिज हुए हैं मोतिहारी नगर निगम में। आप इन नतीजों को किस रूप में देख रहे हैं? ये जो नतीजा है चंपारण वासियों के लिए, जो नतीजा जो उन्होंने मतदान किया और जो उन्होंने स्वीकार किया, जिसको चुना, वो बहुत ही अच्छा मुझे भी लगा और आने वाले भविष्य के लिए भी अच्छा है। मैं चंपारण वासियों को मुबारकबाद देता हूँ कि सभापति, उपसभापति, पार्षद और ख़ास करके नौजवान इसमें अग्रेसिव थे। इन्होंने लग करके बहुत अच्छा रिजल्ट लाया इन लोगों ने। और मैं जनता को भी धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठ करके, बहुत तरह के लोग होते हैं कि इधर से जात में फंसा करके रखे हुए थे, सभी जाति धर्म को तोड़ करके उन्होंने अलग समीकरण बना करके इस चंपारण के नाम रोशन किया। समीम साहब, इस चुनाव में एक चीज चर्चा का विषय बनी, वो है ढाका विधायक पवन जायसवाल का बयान चुमावन को लेकर के खास तौर से। और वो चुमावन की बात जिस संदर्भ में कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी वो जिला परिषद अध्यक्षा का चुनाव लड़ रही थी और जिले के जो राजनीतिक कहे जाते हैं भीष्म पितामह के नाम से भी उनको जो है लोग नवाजते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस संदर्भ में उन्होंने चुमावन की बात कही थी। उसके बाद फिर राधामोहन सिंह जी का बयान भी आया, तो बहुत आक्रामक तरीके से उन्होंने इस संदर्भ में बात रखी थी। एक कयास ये लगाया जा रहा है कि क्या पवन जायसवाल आरजेडी का हिस्सा बन सकते हैं क्या? ये जो बयान इन लोगों ने दिया चुमावन का, ये तो मुझे मालूम नहीं है इन लोगों का आपसी विवाद क्या है, तो यही लोग बताएंगे, अच्छी तरह यही लोग बताएंगे। चंपारण की जनता ने जो फैसला किया है वो सब सोच समझ करके किया है, बहुत ही अच्छा ढंग से किया है। पवन जायसवाल अगर आरजेडी में आते हैं तो क्या आप लोग स्वागत करेंगे? हम लोग जो भी हमारे सामाजिक न्याय के योद्धा माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी और युवाओं के आइकॉन माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के, अगर विचार में जिनको भी सामाजिक न्याय का जो हम लोगों का सिद्धांत है, इस सिद्धांत से, इस विचार से जो भी आना चाहते हैं हम लोग उनके लिए स्वीकार है, उनको हम लोग रखने में कहीं कुरेज नहीं करेंगे। आने वाले समय में 2024, अब तो साल का आखिरी वक्त चल रहा है, 2023 आ जाएगा और इसके अगले साल जो है लोकसभा के चुनाव होंगे और उसके बाद फिर विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो नया समीकरण बना है, ये जो समीकरण है ये आने वाले चुनाव में भी प्रभावी रहेगा? क्योंकि जनता है, सभी चुनाव का मिजाज अलग अलग होता है, सभापति का अलग होता है, उपसभापति का अलग होता है, वार्ड का अलग होता है, पार्षद का अलग होता है, मुखिया का अलग होता है, विधायक का अलग होता है, एमपी का अलग, सारे चुनाव का मिजाज अलग अलग होता है और जनता के ऊपर लोग छोड़ देते हैं, जनता की अदालत में आना पड़ता है और जनता जो फैसला करता है उसको स्वीकार करना पड़ता है। उसी कड़ी में ये चंपारण के लोगों को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा डिसीजन करके ये चुनाव उन लोगों ने किया है। समीम साहब, थोड़ा सा इस निकाय चुनाव से अलग भी कुछ आपसे हम जान लेते हैं। आप यहाँ नरकड़िया विधानसभा से दो बार विधायक बने और फिर मंत्री तक का आपने सफ़र किया, विधि मंत्री हैं आप बिहार सरकार के, अभी क्या कुछ चल रहा है आपके जरिए, क्या कुछ पूरे बिहार में नहीं देखने को मिल रही है आपके मंत्रालय के जरिए? मेरे मंत्रालय में विधि विभाग है जी,
इसके अंदर सारे जितने भी न्यायालय हैं, जितने भी उसमें पीपी, एपीपी, जीपी, एजीपी जो भी होते हैं, उन लोगों की नियुक्ति होती है और जो कार्य नहीं कर पाते हैं सुचारू ढंग से, तो उन लोगों का मॉनिटरिंग होता है और नए ढंग से भी इन लोगों का, चूंकि चयन किए हुए बहुत दिनों से कुछ लगे हुए हैं, तो इसमें भी बदलाव होगा। और दूसरी बात यह है कि मठ मंदिर का न्यास बोर्ड के जरिए अगर सारे लोग रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उससे मठ का जो ज़मीन होता है ये उसमें, चूँकि अभी ज़मीन का ब्रोकर जो है मठ के ज़मीन को निशाना बना रहा है, तो मैंने विभाग से सारे जिला पदाधिकारी को चिट्ठी भिजवा दिया है कि सारे लोग पोर्टल पर डाल दें जितना ज़मीन है, और उस ज़मीन को सारे रजिस्ट्री ऑफिस में भेज करके उस पर लॉक लगा दे कि कोई ज़मीन इसको खरीद नहीं सके। तो ये बदलाव आएगा, सारे जिला पदाधिकारी को ये चला गया है। तो ये एक बड़ी अच्छी पहल कही जा रही है कि आमतौर से जो भू माफिया हैं वो इस तरह की ज़मीनों को निशाना बनाते हैं, तो विधि मंत्री जी ने अपने कार्यकाल में ये एक अच्छी कोशिश की है। समीम साहब, क्या आपको लगता है कि इन सब प्रयासों से उस पर अंकुश लगेगा? एकदम अंकुश लगेगा। जितने भी खाता खेसरा रकबा के साथ अगर हमको अले कोई मठ का हम ले लें, अगर 5 बीघा ज़मीन है तो उस 5 बीघे के ज़मीन का खाता खेसरा के साथ सारे डीएम को लेटर चला गया और वहाँ उनको लॉक लगा देना रजिस्ट्री ऑफिस में भेज करके, उतने खाता खेसरा पर लॉक लग जाएगा। कोई भी भू माफिया चाहे कोई भी अगर बेचना चाहता है तो वहाँ जैसे जाएगा उसका कागज, वहाँ तो लॉक लगा हुआ है तो नहीं बेच सकता है। तो ये अच्छी पहल है और उस पर अंकुश लगेगा। एक समय साहब और चीज़ देखने को मिलती है कि किसी की ज़मीन कोई भी रजिस्ट्री करा लेता है, वो जैसे भी भरगला करके या फिर दाखिल खारिज के संबंध में बहुत सारी चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं, तो इन सब को कंट्रोल के लिए कुछ प्लानिंग चल रही है बिहार सरकार की? ये प्लानिंग चूँकि शुरू से 1914 में जो सर्वे हुआ उसके बाद से सर्वे नहीं हुआ, तो सर्वे नहीं होने के कारण आज से 3 से 4 पीढ़ी हम लोगों के सामने से गुजर गया, लेकिन ज़मीन ज़्यादा मात्रा में खतियान ही में रह गया। तो सर्वे एक तरफ चल रहा है, सर्वे का कार्य भी चल रहा है और सब जिला में चल रहा है, तो ये सर्वे हो जाएगा तो ये सारा मामला। दूसरा चीज़ है कि लोग आपसी बंटवारा किए, आपस में खानगी बंटवारा, ब्लॉक बंटवारा सारे लोग कर लिए, अब दो भाई हैं आपस में बांट लिए, कुछ भतीजा का भी ज़मीन उसमें रह गया। तो इसके लिए मैंने पिछले विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी से, जब हम लोग सरकार में थे, मिल करके मैंने बात बताया था, तो उस वक्त रजिस्ट्री बंटवारा फ्री में हुआ है, आज भी हो रहा है। तो जो भी चाहते हैं कि रजिस्ट्री बंटवारा हम कर लें, चूँकि सबसे ज़्यादा हम लोग जनता दरबार में भी बैठ रहे हैं, पार्टी ऑफिस में भी और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी दरबार, तो सबसे ज़्यादा 80% मामला भूमि से आ रहा है। तो इसको निपटारा हम लोग कैसे करें, इसको अगर जो भी आपसी बंटवारा करना चाहते हैं तो मात्र 100 रुपये के स्टाम्प पे ये आपसी बंटवारा कर सकते हैं। पहले जितना खरीद लगता था उसके हिसाब से पैसा लगता था, ज़मीन जितना खरीद का होता था उस हिसाब से पैसा लगता था, मात्र 100 रुपये में रजिस्ट्री आप करा सकते हैं, रजिस्ट्री बंटवारा करा सकते हैं। तो ये अच्छी पहल है बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो इस पर सारे लोगों से मेरा अपील भी है कि ये ज़मीन विवाद कम करने के लिए बहुत अच्छी पहल है। वाकई ये बिहार सरकार की बहुत अच्छी पहल है और ज़मीन विवाद को कम करने की दिशा में जो है ये एक अच्छी पहल मानी जा रही है। समीम साहब, एक दो सवाल आखिरी हम आपसे आपके क्षेत्र से जुड़ी हुई कर लेते हैं। अपने क्षेत्र में विकास कार्यों की क्या स्थिति है, क्या कुछ नया लोगों को मिला है? नया ये मिला है कि 6 हॉस्पिटल मैंने पर काम चल रहा है। एक मेरा जो सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट था NH 28 से चिल्हा गुमटी से
जटवा घाट होते हुए रामगढ़वा तक ये पथ बन रहा है। दूसरा मेरा है कि माननीय मुख्य उप मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं तियर डैम बनवाने का के लिए लगा हूँ, और दूसरा छावड़ा दानों से इस नहर को बनकटवा होते हुए घोड़ासान ढाका रोड तक उसको ले जा करके वहाँ तक पहुँचाना, ये अभी ड्रीम प्रोजेक्ट में, और सारे रोड बन रहे हैं, हर जगह काम चल रहा है, तो ये सब अच्छी पहल है, काम हो रहा है सब क्षेत्र में। फ्लड से बहुत बदहाल रहता है आपका जो इलाका है, तो उस पर अंकुश के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए? बाढ़ के लिए बंजरिया जो बाढ़ एरिया है, तो पिछले साल 17 में जब बाढ़ आई तो लगभग 6 महीना तक, 4.5 महीना 5 महीना तक पानी लगा रहा, तो उसको मैंने जब पूरा अध्ययन किया तो मैंने देखा कि 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर हम नाव से जा रहे हैं, तो मैंने पूरा नाव से भी जाकर स्टीमर से भी जाकर के मैंने अध्ययन किया, तो मैंने देखा कि एक रोड अगर दे देते हैं हम उस रोड में तो ये बाढ़ की समस्या खत्म हो जाए। जितने भी बाढ़ एरिया है, मैं 17 में जब बाढ़ आई तो उस टाइम में अनुसर्वन की बैठक हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, तो मैंने वहाँ बात रखा कि जब बाढ़ आती है तो हम हेलीकॉप्टर उतारते हैं, चिवड़ा मीठा का इंतजाम करते हैं, लेकिन इस पर ठोस कदम नहीं उठा पाते हैं। तो मैंने बताया कि जहाँ इस तरह का बाढ़ का एरिया है उसमें ऊंचा पथ की जरूरत है, ऊंचा पथ, लेकिन शर्त यह है कि पुल पुलिया उसमें प्रचुर मात्रा में हो, क्योंकि रोड पे प्रेशर नहीं पड़े। तो एक रोड मैंने कहा मुख्यमंत्री जी को कि आप एक रोड एक पथ मुझे दीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, और जब बाढ़ आता है तो आप आकर के उसका निरीक्षण करें कि उस रोड से क्या फायदा होगा, और इस तरह का पहल पूरे जितने भी बाढ़ एरिया है उसमें अगर हम कर देंगे तो हम परमानेंट निजात पा जाएंगे। तो ये रोड बन रहा है और लगभग 6 महीना के अंदर बन करके तैयार भी हो जाएगा। समीर साहब, एचटीवी न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नववर्ष की आपको बधाई। एचटीवी को मेरे तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद, और नए साल में और ऊंचाई पर एचटीवी पहुंचे, मेरे तरफ से यही शुभकामना है, और पूरी टीम को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर समीर साहब जिनसे हम बात कर रहे थे, बिहार सरकार के विधि मंत्री, तो बहुत सारे सवालों पर इन्होंने खुलकर के जवाब दिया, और इस तरह की तमाम खबरें, डिबेट्स और इंटरव्यू के लिए जुड़े रहिए एसटीवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।